नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गायत्री शक्तिपीठ बड़वानी के द्वारा कक्षा 8 से भारत तक के छात्र छात्राओं को प्रतिदिन योग, प्राणायाम, खेलकूद, चित्रकला के साथ ही साथ पंडित श्री राम शर्मा जी के स्वविचार दिए जा रहे हैं। 9 मई से 19 मई तक आयोजित शिविर में 150 छात्र छात्राएं प्रतिदिन भागीदारी करके संस्कार, व्यवहार, आचरण, विचरण सीख रहे हैं। जीवन कैसे जिए, मोबाइल वरदान है या अभिशाप, सुंदर घर और वातावरण कैसा हो, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो तुम्हें पसंद नहीं, बड़ों का आदर करें, प्रातः जल्दी उठे, सादा जीवन, उच्च विचार, प्रेरणा प्रद कहानियां और क्या सीखा, बच्चों की अभिव्यक्ति शिविर में संचालित की जा रही है। शिविर के 8वें दिन हमारे जीवन में माता पिता का महत्व विषय पर जिला समन्वयक महेंद्र भावसार ने अपने विचार रखे और बच्चों को संस्कार का पाठ पढ़ाया। संस्कार खरीदे नहीं, लगन से प्राप्त किए जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल और लर्न बाय फन को लेकर मास्टर ट्रेनर रघुवीर सोलंकी ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मातृपित्र पूजन शिविर में आए बालक बालिकाओं ने अपने अपने माता पिता का पूजन कर फूलमाला पहनाकर आशीर्वाद लिया। अलग अलग विषयों की व्याख्या गायत्री परिजनों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के द्वारा की जा रही है। शिविर आयोजक ममता तोमर, रेखा पुरोहित ने जानकारी दी कि शिविर समापन में शिविरार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर वर्धन करेंगे। योग प्राणायाम कमल गनवानी, कुसुम गहलोत के द्वारा सिखाया जा रहा है। ट्रस्टी सुनील पुरोहित, महेंद्र तोमर, गोपाल कृष्ण प्रजापति एवं गायत्री परिजन का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा आयोजित शिविर की प्रशंसा की जा रही है। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। रेडी, क्या नाम है तुम्हारा? ये बाल संस्कार शिविर में कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या क्या सीखा? बहुत सारी गतिविधियां सीखी। क्या गतिविधि सीखी है? कैसा लगता है शिविर? अच्छा लगता है। गायत्री परिवार का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा क्या? अच्छा है। अच्छा लगा है? हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कृष्णा त्रिवेदी। कृष्णा त्रिवेदी, ये बाल संस्कार शिविर गायत्री परिवार द्वारा जो चलाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखा? यहाँ पे नई नई चीजें सीखी, संस्कार, योगा, फिर डांस, चित्रकला और बहुत कुछ। अच्छा लगता है यहाँ पर? हाँ। गायत्री परिवार का कार्य अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो यहाँ पर? यहाँ पर सारी चीजें, योगा सिखाए और संस्कार सीखे। बाल संस्कार शाला में संस्कार सीखे हैं। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। रोज आते हो क्लास में? क्या नाम है तुम्हारा? मेहुल पाटिल। पाटिल जी, छोटे से बच्चे हो, बाकी अच्छी बात है, बाल संस्कार शाला में आ रहे हो। क्या क्या सीख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे संस्कार सीख रहे हैं और योग वगैरह। गायत्री परिवार का कार्यक्रम है, अच्छा लगता है? हाँ। अपने माता पिता को अच्छे तरह से संस्कार की बात बताओगे? हाँ, रोज बताते। रोज बताते हो, संस्कार और मनोगे? हाँ। बाल संस्कार शाला शिविर की संयोजिका ममता बहन तोमर और रेखा जी पुरोहित उपस्थित है। ममता बहन, बताएं कि ये बाल संस्कार शिविर कब से आयोजित चल रहा है? बाल संस्कार शिविर हमारा यहाँ पर 10 दिन से शिविर है और 9 मई से शुरू हुआ है। इसमें आप क्या क्या करवाते हो? इसमें हमारा सुबह से हमने कालखंड में बांट रखा है। इनका योग आसन होता है, ध्यान योग प्राणायाम प्रथम कालांश होता है, उसके पश्चात होता है देव पूजन और प्रार्थना वाला होता है, उसके पश्चात हमारा होता है बच्चों का खेल का कालांश होता है, अल्पाहार का होता है और फिर सीखो सिखाओ के पश्चात शांति पाठ और सर्वे भवन्तु सुखिनः की यहाँ पर प्रार्थना होती है। आपके इस शिविर में कितने बच्चे प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं? 150 का पंजीयन हुआ है हमारे शिविर में, तो लगभग 140-130 ऐसे बच्चे उपस्थित होते हैं। यह गायत्री परिवार के बहुत ही बढ़िया रोचक और संस्कार शाला को संचालित कर रहे हैं। रेखा बहन पुरोहित भी है। रेखा जी बताएंगे कि संस्कार शाला में बच्चों के लिए आपने क्या आमंत्रण दिए थे? हाँ, जो व्हाट्सएप है उसके हमने सूचना की थी, व्हाट्सएप के द्वारा और पेपर में भी न्यूज़ दी थी, बार बार देते रहे। एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इनकी प्रयास को बहुत ज़्यादा सफलता मिली है और 150 बच्चे हम भी देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।